अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिल है कौन सी, न हम समझ सके न तुम, छुट्टी हो गया ना, उस बच्चे कुछ भी नहीं करने देंगे, बस सारा दिन सो बच्चे स्कूल निकलते हैं, स्कूल नहीं होने चाहिए, पर मेरे हाथ कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़े बड़े, सीरियसली मेरे हाथ बहुत बड़े बड़े, जब भी किसी के पढ़ता है ना तो बंदा उठता नहीं है, उठ जाता है। हेलो जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं जी आप सब, मैं ठीक हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी आज की वीडियो। आज मैं फिल्टर ऑन नहीं किया और फिल्टर तो बिना मेरी फेस की में लग रहा है। तो पहले आप चाह पीवेंगे जी, उस तो बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे कम, क्योंकि चाह दे बिना तो तुम्हें पता ही है फिर अपनी शुरुआत नहीं हो सकती हैगी जी। शेयर करो वध तो वध, और मेरे बाल बेचारे की हालत ख़राब हैगी है, सो पहले चाह पी लें। उस तो बाद एक्चुअली काम कोई नहीं है, सब्जियां वगैरह मैं लेके आई सी, वो मैं फ्रिज में रखनी नहीं, और मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, फ्रिज भी क्लीन करना है अज, और तो रिक्वेस्ट भी आ गई सी कि मैम क्लीनिंग की वीडियोस ज़्यादा बनाओ, सो मैं सोच रही हूँ कि बना लें, क्योंकि नॉर्मल वीडियोज़ तो लाइक नहीं करते है, मैं देख लेता है, क्योंकि मेरे 34K सब्सक्राइबर ने 34,000 विच्चों तुसी देखो कि मेरी 3400 व्यू भी नहीं आ रही है, जो कि ठीक नहीं हैगा। सो प्लीज़ वीडियो में फुल वॉच करा करो, अच्छी लगती है तो लाइक भी करा करो, तो शेयर भी करा करो और कमेंट भी करा करो, उन मेरी वीडियोज़ के कमेंट जो होंगे ऑन होंगे ने, ठीक है जी। सो इंजॉय। कुछ लोगों ने शिकायत है कि मैम आप फिल्टर लगा के वीडियो बनाते हो, तो मैं आज फिल्टर नहीं लगा रही हूँ, विदाउट फिल्टर वीडियो बना रही है। सो तुम देख सकते हो कि कैमरा क्वालिटी किमें लग रही है, और मेरे बाल चटावा बनी हुई ने रखो, तो इन्हों भी आप बन लें कवर कर लें। सो हेयर्स आप कर लें कवर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हैगी है, और फिर गर्मी में तुम पता ही है कि सच्ची है। जी सब्जियां सारिया मैं लेके आई सी, जिमें कि अदरक भिंडियां अदरक वगैरह सारा कुछ, इन्हों पावे फ्रिज विच, और मेरा कैशू कैशी और कैशू तुम देखते हो सो रहा है मेरे को, ठीक है जी। सब्जी बनाओ लगे तो जी, और दसो जो प्याज, प्याज एक्चुअली खत्म से, प्याज मैं लेके आई हाँ, प्याज भी साफ कर रही हूँ, आई थिंक ये प्याज ही है। प्याज प्याज कर रही हूँ मैं साफ, गले हुए बिच ना गर्मी करके प्याज गल भी जाते हैं काफ़ी, वीडियो ऑन होगी ना एक्चुअली। सब्जी असं कल लैके आए थे, बट ये कि रात काफ़ी लेट आए थे, 10 बज गए थे सामने मंडी गए थे, सो फिर सब्जियां पाइया है चलो सवेरे साफ करके पाऊंगी, क्योंकि फ्रिज वाले पेड़ भी काफ़ी खराब साफ करने वाली है। किसी वो भी उठा के लाना आलू वाली ट्रे भी, वो भी साफ करना, वो भी की पिया है प्याज।
ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਸਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਖਾਈਏ ਸੋਚ ਰਹੀ ਬਟ ਪਿਆਜ਼ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹਾ ਲੈ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰੀ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੀਟਰੂਟ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਲਾਦ ਸਲੂਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਲਾਦ ਹੈਗਾ ਗਾਜਰਾਂ ਖੀਰੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਫ੍ਰਿਜ ਕਿਸੇ ਟੋਕਰੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾ ਪਾਲਕ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕ ਪਾਲਕ ਉਸਮੇ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਟੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਇਸਕੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਿਰਫ ਖੀਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੀਰੇ ਭਰੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਟ ਸਲਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਗਾਜਰ ਬੀਨਸ ਔਰ ਮਟਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਾਇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਹਾ ਜਾਂ ਓਟਸ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਗਾਜਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗਾਜਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਬਟ ਇਹ ਗਾਜਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਸੈਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਲਡ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਦੂਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦੋ ਟਾਈਮ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਰਿੰਕਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਡੇਲੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਰੋ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਔਰ ਜੋ ਇਸਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਐਪਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਸਟ ਮੇਰਾ ਸੈਲਡ ਹੀ ਆਇਆ ਖੀਰੇ ਗਾਜਰ ਬੀਟਰੂਟ ਪਾਲਕ ਔਰ ਟਮਾਟਰ ਔਰ ਜੀ ਬੀਨਸ ਬੀਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਔਰ ਤੋਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਔਰ ਲਸਣ ਔਰ ਮੇਨ ਰੋਸਟਡ ਚਨੇ ਬਲੈਕ ਚਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਸਟਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਚਨੇ ਖਾਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਓ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਢਿੱਡ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵੇਟ ਲੂਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਆਲੂ ਲਸਣ ਬਸ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਿੰਬੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਿੰਬੂ ਹੈਗਾ 240 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਰਚ ਔਰ ਨਿੰਬੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਦਰਕ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ
और ये मिर्चे हैं इनको मैं साफ़ करके रखूँगी फ्रिज में, ऐसे साफ करके मतलब साफ ही सी है, तो इन्हों आप डब्बे में स्टोर कर लेंगे। ठीक है जी, मेरे काफ़ी दिन चल जाने नहीं तो खराब हो जाने। मंडी के नींबू और मिर्च का रेट सब तो हाई है और सब तो घट जो खीरे का है 10 रुपये किलो खीरा, जिन्ना मर्जी खाओ। और खरबूजे मतलब लौकी मैं खाओ देखी सी, लौकी 5-5 किलो खरबूजे लैके जा रहे हैं और खीरे 5-5 किलो, मतलब कि समझ नहीं आती इन्हें की करते हैं। खरबूजे तो मैंने इन्ने गंदे लगते ना, मतलब स्वाद ही नहीं लगते पानी जहाँ। बच्चों को कोई काम कह दो बस इन्हों समझ ही नहीं आती काम करना कि नहीं है। ये कुछ पुरानी मिर्चा ने इसको साफ कर कपड़े से अच्छे से, और ये मेरे चने चने में भी अपना डब्बे कुछ पा के रख देने हैं, और धनिया गोभी का प्याज का पिंक वाली डब्बी छोटी जी पर खा खुश होकर खाँदा है, मैं भी खानी हूँ, मतलब सारी खाने हैं, बच्चे प्रीत भी खाँदी है, मैं भी खानी हूँ, और साढ़ा कैस्पर भी बहुत खुश होकर खाँदा है अच्छा नहीं। तो ये स्टोर हो गई है जी, पैकेट खाली हो गया अपने आप, दोबारा ना कह दी कुछ खत्म हो गए जेडे पैसे फ्रिज के कवर च, हाँ वो कितने गए क्रिश जो टीवी देखता हों बैठा बैठा डब्बी लाके चबता रहा है, लोग पॉपकॉर्न खाते ने लेकिन असं चने खाने गए, सारे नीचे भी डिगे ने, चने खाने चाहिए है हेल्थ लिए बहुत अच्छे होंगे ने, तुसी भी खाया करो, तुम भी खाया करो नैन्सी, वधिया लंबी होंगी कट ही मारनी, मैं कह भौंकदी मैं बह के वास्ते इतने टाइम पास कर रही हाँ। और मैं धनिया लैके आई सी जी, चलो फालतू गल्ला नहीं करांगे, धनिया और पुदीना भी लैके आई सी मैं, धनिया एक्चुअली हूँ बस खत्म हो जाएगा क्योंकि अगे अगे हूँ धनिया काफ़ी महंगा हो जाएगा, गर्मियों में बहुत घट मिलता है धनिया, मिलता तो है बट वही बहुत महंगा भी मिलता है। सो आया जी पुदीना, बेचारा ये भी मुरझा ही गया है। सो परौंठे नाल चटनी हुई या फिर जिम्मे कि मैं सैंडविच खानी हाँ ब्रैड ऑमलेट खाने है तो उसमें ग्रीन चटनी सब तो बेस्ट है, गर्मियों में चटनी जरूर खानी चाहिए हैगी है, धनिया पुदीने की, पुदीना ऐसे ठंडा भी होंगे है। और देखो तुसी मैं धनिया लिया सी कितना सारा धनिया भी, एक्चुअली मैं 2 गुच्छियां लेके आई हाँ वड्डियां वड्डियां काफ़ी क्वांटिटी है। सो मैं इन्हों साफ करके वॉश करके चंगी तरह इन्हों सुखा लाँगी, सुखा के इन स्टोर देख सकते हो हूँ इन्हों ना मतलब कि पकड़ लग गया धनिया, इन आप कर लेंगे स्टोर साफ कर लेंगे, तो कटने से ये तो रखा हूँ मैं कृष्ण लगानी है कम, फिश ही सारा कुछ रख देता अंदर टमाटर बाहर ही रख देना, चलो फिश आने फ्रिज साफ कर रहे वेली मतलब फ्रिज में पानी भरिया होंगे बहुत ज़्यादा, और अंडिया के जो डब्बा है जिसमें अंडे पा के रखे हुए वो भी पानी भरया है, सो मैं सोचा कि मैं फ्रिज साफ कर लेनी हूँ, एक्सरसाइज तो मेरे तो होनी नहीं अच्छा मैं लगता नहीं है, टाइम काफ़ी हो चुके हैं। ठीक है जी, सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के तब तक ही सैशन।